नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए थे वो तस्वीर आप आज भी नहीं भूले होंगे। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 5 जिलों में 26 सेंटरों पर अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन आज हो रहा है और ऐसे में बिहार पुलिस के लिए इन 5 जिलों के 26 सेंटरों पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रख पाना एक अग्नि परीक्षा होगी। और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है बिहार में होने हो रही इस परीक्षा को लेकर, हम सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार में 24 जुलाई यानी कि आज 5 जिलों के 26 सेंटर पर एयरफोर्स में अग्नि वीरों की भर्ती परीक्षा हो रही है। विरोध प्रदर्शन की आशंका को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी संबंधित जिलों में खुफिया अलर्ट जारी कर दिया है। अब जरा ये समझ लीजिए कि कहां पर कितने सेंटर बनाए गए हैं। तो 5 जिलों में 26 सेंटर पर परीक्षा होगी, ये तो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा पटना में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं छपरा में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बात करें गया की, तो 4 परीक्षा केंद्रों पर यहां भी एग्जाम होना है। और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 3 सेंटर जबकि भागलपुर में 2 सेंटर बनाए गए हैं। ये 5 जिले ऐसे हैं जहां के 26 सेंटरों पर अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एयरफोर्स अग्निवीर परीक्षा राज्य के, जैसा कि हमने आपको बताया, पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, गया और भागलपुर में यहां पर सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से शाम के 6 बजे तक 2-2 घंटे की 3 पालियों में होगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही संबंधित जिलों में सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें जो है आधार कार्ड ले जाना जरूरी किया गया है। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के साथ साथ व्यवस्था को भी काफी चौकस किया गया है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के साथ साथ ओरिजिनल आधार कार्ड लाने की भी गाइडलाइन दी गई है। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में होगी। अब जरा यह भी जान लीजिए कि किस प्रकार ये परीक्षा हो रही है। विज्ञान विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट होगी। इसमें अंग्रेजी, भौतिकी और गणित विषय शामिल। पेपर 12वीं के सीबीएसई सिलेबस के मुताबिक है। विज्ञान विषयों के अलावा अन्य विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 45 मिनट तक हो रही है। इसके अलावा इसमें 12वीं सीबीएसई के अनुसार अंग्रेजी भी शामिल है। रीजनिंग और सामान्य जागरूकता के सवाल पूछे गए हैं। विज्ञान विषय और विज्ञान के अन्य विषयों के अलावा अन्य के ऑनलाइन परीक्षा 85 की होगी। इसमें अंग्रेजी शामिल है और भौतिकी और गणित भी शामिल है। रीजनिंग और सामान्य जागरूकता के सवाल भी ऐसे में पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जिन 26 सेंटरों पर अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इस परीक्षा को लेकर जिस प्रकार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है वो भी एक चिंता की बात है। जिस प्रकार आपने तस्वीरें देखी पिछले महीने या कुछ महीने पहले की अग्निवीर योजना को लेकर, यूं तो पूरे देश में हंगामे हो रहे थे, बवाल हो रहा था, लेकिन जो बिहार में तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो वाकई डराने वाली थी। और इसमें रेलवे का कितना नुकसान हुआ, कई करोड़ों का नुकसान हुआ, कई सौ करोड़ जल गए। और ऐसे में रेलवे ने अपनी चिंता जाहिर की थी, सरकार ने चिंता जाहिर की थी। और उसी अग्निपथ योजना के तहत अब जो है अग्निवीर भर्ती परीक्षा बिहार के 26 सेंटरों में हो रही है और यहां इन 26 सेंटरों पर बिहार पुलिस की भी अग्नि परीक्षा हो रही है। यह समझ लीजिए कि यहां पर जो अलर्ट जारी किया गया है और प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि प्रदर्शन की आशंका है, एक बार फिर से बवाल होने की परीक्षा के दौरान आशंका है। अब इस प्रदर्शन की आशंका के बलबूते पर किस प्रकार पुलिस चौकस रहती है यह भी देखने वाली बात है। और क्या कुछ निकलकर सामने आता है परीक्षा खत्म होने होने तक ये भी हम देखेंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।